जब प्यार किया तो डरना क्या। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों रोज की तरह आज की हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। नौशाद अली के बिना भारतीय संगीत की हर बात अधूरी है। उन्होंने संगीत को पूरा करने के लिए परफेक्शन की सारी हदें पार कर दी और ऐसे गाने गाए कि आज भी जमाना उन्हें गुनगुना रहा है। चलिए आज उनके बारे में हम जानते हैं कुछ दिलचस्प किस्से और उनके गाने भी सुनिए। हमें से ज्यादातर लोग खुद को म्यूजिक लवर कहते हैं। हम मन लगाकर गाने सुनते हैं और उन पर झूमते भी हैं। ऐसा कम ही होता है कि हमें ये मालूम होता है कि फला गाना किसने बनाया, किसने लिखा है, किसने गाया है। गायकों की बात तो तब भी हो जाती है, म्यूजिक कंपोजर तो कहीं पीछे ही छूट जाते हैं। ऐसा ना हो इसके लिए एक कोशिश की जा सकती है कि आप उन संगीतकारों से जुड़े मजेदार किस्से के जरिए उन्हें याद रखें। आप सोचकर देखिए, भारतीय सिनेमा के एक बेहद अहम और अजीज संगीतकार को उनकी शादी कराने के लिए एक टेलर यानी दर्जी बनाकर इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों भला, तो वजह है सोच। ये उस समय की बात है जब लोगों की सोच में संगीत बनाना, बजाना, गाना बेहद बुरा काम समझा जाता था। उसी दौर में एक शख्स के जहन में संगीत इस कदर बसा कि उसने अपने परिवार और संगीत में से संगीत का चुनाव करने में जरा भी देरी नहीं की। ये संगीतकार थे नौशाद अली। 1919 में उनका जन्म हुआ और 5 मई 2006 को वे चल बसे, मगर पीछे छोड़ गए हैं कई ऐसे नगमे जिसे आने वाली कई पीढ़ियां सुना करेंगी। अगर इनके नाम से आपको कुछ याद नहीं आया तो जरा मोहे पनघट पे और प्यार किया तो डरना क्या जैसे गाने याद कर लीजिए। ये गाने इन्होंने ही बनाए हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिकल पर आधारित फिल्मी गानों की बात आती है तो याद आते हैं म्यूजिकल डायरेक्टर नौशाद। बैजू बावरा में दिया उनका संगीत एक्सपर्ट की नजर में किसी भी हिंदी फिल्म में इस्तेमाल किया गया अब तक का सबसे बेस्ट क्लासिकल म्यूजिक माना जाता है। सही उदाहरण के लिए बनारस में बुलाए गए पंडित आज की पीढ़ी परफेक्शन के नाम पर सिर्फ आमिर खान को जानती है, मगर नौशाद भी बहुत बड़े परफेक्शनिस्ट थे। इससे जुड़ा एक किस्सा भी पढ़ने में आता है। बताया जाता है कि एक बार जब मन तड़पन हरि दर्शन को गाने में मोहम्मद रफी कुछ संस्कृत शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहे थे तो नौशाद ने तुरंत ही बनारस से संस्कृत पंडितों को बुलावा भेज दिया। उन्होंने रफी को सही उदाहरण में मदद की। तब कहीं जाकर कई बार रिहर्सल के बाद नौशाद ने फाइनल रिकॉर्डिंग की मंजूरी दे दी। इसी का नतीजा था कि ये गाना आज भी दुनिया भर के मंदिरों में गाया जाता है और सुना जाता है। नौशाद के परिवार वाले हिंदी फिल्मों और संगीत के सख्त खिलाफ थे। उनके लिए ये बुरा और खराब काम था और जब नौशाद की शादी तय हो गई तब उनके ससुराल वालों से भी ये बात यही सोचकर छिपाई गई थी कि संगीत को गाने बनाने और बजाने को बुरा काम माना जाता है। तब तक रतन फिल्म के नौशाद में कंपोज किए गए गाने भारत भर में मशहूर हो गए थे। फिर भी उस समय संगीत से जुड़े काम को इतना खराब माना जाता था कि नौशाद के ससुराल वालों को बताया गया कि वो पेशे से एक टेलर हैं। बारात में बजा खुद का कंपोज किया गया गाना। दिलचस्प बात ये है कि नौशाद की खुद की बारात में उनका ही कंपोज किया गया गाना बजा था और वहाँ किसी को मालूम ही नहीं था कि इसे नौशाद ने ही बनाया है। बताया जाता है कि बड़े ही भोले बनकर नौशाद ने अपनी शादी में मेहमानों से पूछा कि उन्हें ये गाना और धुन कैसी लगी और ज्यादातर ने गाने की तारीफ की थी। नौशाद ने 65 बॉलीवुड फिल्मों के लिए म्यूजिक दिया है। इस फिल्मों में से 35 सिल्वर जुबली और 12 गोल्ड जुबली और 3 डायमंड जुबली रही। हालांकि अपने करियर के शुरुआती दिनों में नौशाद हारमोनियम रिपेयर करने का काम किया करते थे। पिता ने कहा था घर या संगीत में से एक चुन लो। नौशाद के पापा ने उनके सामने शर्त रखी थी कि अगर उन्हें घर में रहना है तो संगीत छोड़ना होगा। इसके बाद नौशाद ने घर छोड़ने का फैसला किया और मुंबई भागकर ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई पहली भारतीय फिल्म मदर इंडिया का म्यूजिक भी नौशाद ने ही दिया था। वेल दोस्तों, आपको नौशाद के गाने कैसे लगते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।